पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। गुरु नानक जयंती के मौके पर प्रदर्शनकारी किसानों के हक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसकी वजह से साल भर से अधिक समय से देश के कई हिस्सों में किसान प्रदर्शन कर रहे थे, उस कृषि कानूनों को सरकार ने निरस्त करने का फैसला ले लिया है। देश के नाम संबोधन में शुक्रवार को पीएम मोदी ने देशवासियों से माफी मांगते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया है और कहा है कि उनकी तपस्या में ही कुछ कमी रह गई होगी, जिसकी वजह से कुछ किसानों को उनकी सरकार समझा नहीं पाई और अंत में ये कानून वापस लेना पड़ा। हालांकि पीएम मोदी ने कृषि कानूनों को अब भी डिफेंड किया और कहा कि कुछ किसानों के ना समझने की वजह से ये फैसला लेना पड़ा है। तो चलिए जानते हैं कि पीएम मोदी ने अपने संबोधन में क्या क्या कहा है। देव दीपावली का पावन पर्व है, आज गुरु नानक देव जी का भी पवित्र प्रकाश पर्व है। मैं विश्व भर में सभी लोगों को और सभी देशवासियों को इस पावन पर्व पर हार्दिक बधाई देता हूं। ये भी बहुत सुखद है कि 1.5 साल के अंतराल के बाद करतारपुर साहिब कॉरिडोर अब फिर से खुल गया है। हमने किसानों की बातों को, उनके तर्क को समझने में भी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। कानून के जिन प्रावधानों पर उन्हें एतराज था, सरकार उन्हें बदलने के लिए भी तैयार हो गई। 2 साल तक हमने इन कानूनों को सस्पेंड करने का भी प्रस्ताव दिया। इसी दौरान ये विषय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास भी चला गया। ये सारी बातें देश के सामने है, इसलिए मैं इनके अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है, ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम 3 कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है, अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। साथियों, आज ही सरकार ने कृषि क्षेत्र से जुड़ा एक और अहम फैसला लिया है, 0 बजट खेती यानी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, देश की बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर क्रॉप पैटर्न को वैज्ञानिक तरीके से बदलने के लिए एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए, ऐसे सभी विषयों पर
भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगे, किसान होंगे, कृषि वैज्ञानिक होंगे, कृषि अर्थशास्त्री होंगे। साथियों, हमारी सरकार किसानों के हित में काम करती रही है और आगे भी करती रहेगी। आपको बता दें कि पीएम मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह राष्ट्र को संबोधित करते हुए एक साल को से लेकर के जिसको लेकर के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन चल रहा था, जो संसद में बिल पास हुआ था तीन कृषि कानूनों को लेकर के, उस फैसले को वापस ले लिया है। आपको बता दें कि किसानों ने करीब एक साल तक इस कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और बिना रुके, बिना डटे वो लगे रहे और आखिर में मोदी सरकार को झुकना पड़ा। मोदी सरकार ने फैसला वापस लिया। हालांकि पीएम मोदी ने शब्दों का खेल करते हुए कुछ किसानों की बात करके, कुछ किसानों को ना समझाने के चलते बड़े फैसला लिया है। इसे देखा जा सकता है कि पीएम मोदी ने अपनी सरकार को डिफेंड भी किया है कि कुछ किसानों की बात करके और बिल को वापस ले लिया है और ये फैसला ठीक विधानसभा चुनाव से पहले, यूपी में बड़े विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उससे ठीक पहले ये फैसला लिया गया से, जहां पर इस आंदोलन का एक बड़ा समूह, बड़ा संगठन प्रदर्शन हो रहा था। वहां से हमारे एक सहयोगी जुड़ चुके हैं लाइव टुडे से, हमारे सहयोगी जावेद, क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है पीएम मोदी के तीनों बिल वापस लेने के ऐलान के बाद? किसानों की तरफ से क्या कुछ इस पर प्रतिक्रिया सामने आ रही है? क्या कुछ माहौल बना है? क्या मोदी सरकार के की हार के रूप में इसे देखा जा रहा है और किसानों की जीत में देखा जा रहा है? क्या कुछ माहौल है बताइए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से यह किसान आंदोलन, तीन किसान बिल को लेकर लगातार यहाँ प्रदर्शन यानी कि आंदोलन कर रहे थे राज्य बॉर्डर पर, तकरीबन एक साल से यहाँ किसान डटे हुए थे। आज जैसे आज गुरुपर्व है, गुरुपर्व के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान कर दिया, यानी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि तीनों कृषि कानूनों को वापस सरकार लेगी और राज्यसभा में जो कृषि कानून था अपील की जाएगी, यानी कि जो एक साल से चल रहा आंदोलन धरना था उसको खत्म करने क्या मोदी सरकार, जिसका रिकॉर्ड रहा है कि उसने कभी अपना फैसला वापस नहीं लिया और ये कानून एक साल पहले आया था और पारित किया गया था इसको लेकर के, तभी से विरोध प्रदर्शन जारी था, लेकिन ये विरोध प्रदर्शन, इस प्रदर्शन के दौरान कई किसानों की मौतें हुई, काफी कुछ हुआ, लखीमपुर में हमने देखा किस तरह का वहां पर घटना घटी थी, लेकिन क्या ठीक चुनाव से पहले फैसले को लेने का क्या मतलब? क्या ये दर्शाता है कि बीजेपी पर यूपी चुनाव में हार का डर मंडरा रहा है? क्या बैकफुट पे गई है या इससे इसको मास्टर स्ट्रोक के रूप में देखा जाएगा? किस तरीके से इसका विधानसभा चुनाव में आने वाले उस पर क्या असर पड़ेगा?
देखिए मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से वाकई जिस तरीके से सरकार ने किसान बिल लेने की वापसी की बात की है, प्रधानमंत्री संबोधन में साफ तौर पर कहा कि किसान बिल वापस होगा, एमएसपी पर बढ़िया कानून बनेगा और किसानों को साथ लेकर इसको पूरी तरीके से तैयार किया जाए। यानी कि कहीं ना कहीं 2022 की जो तैयारी चल रही है, 2022 में जो 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सरकार के मन में डर और भय दिखाई दे रहा था, क्योंकि किसान लगातार आंदोलन कर रहे थे और सब साफ तौर पर किसानों ने जिस तरीके आंदोलन किया उससे कहीं ना कहीं सरकार भी झुकी है। और जो इसी को देखते हुए विपक्षी पार्टियों ने भी सरकार पर जमकर हमला बोला है और साफ तौर पर कहा है कि किसान यानी कि टूट गया अभियान और जीत गया मेरा देश का किसान। साफ तौर पर कांग्रेस ने भी कहा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी लगातार ट्वीट कर रहे हैं, उन्होंने भी सरकार पर निशाना साधा है और किसानों की जीत बताया, किसान और मजदूरों की जीत बताते हुए साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से 2022 चुनाव आने वाले उसको तो जैसा कि आपने बताया कि कई लोग तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है, विपक्ष भी इस पे बोल रहा है, तो जो साल भर से जो आंदोलन के भीतर जो किसानों पर अत्याचार हुआ, जो प्रोपेगेंडा हुआ, उन्हें उनके खिलाफ जो कुछ उन्हें खालिस्तानी और आतंकवादी और क्या कुछ नहीं बोला गया, इस दौरान जो किसानों की मौतें हुई, तो क्या अब आंदोलनकारी जिन्हें अब देश का किसान माना जाने लगा है अचानक से, उन पर जो आरोप लगाए हैं क्या उस पर कोई जवाब देगी सरकार या सरकार उस पर कुछ बोलेगी अब? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से आज किसान आंदोलन वापस लेने की बात संबोधन में प्रधानमंत्री किए उससे कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों को भी बड़ा मुद्दा मिल गया है, क्योंकि विपक्षी पार्टी भी लगातार सरकार पर हमलावर है और लगातार ट्वीट कर रही है कि सरकार जहां आंदोलनकारी को आंदोलन जीवी की संख्या दे रही थी, कितने किसानों ने अपने शहीद हो गए आंदोलन में, उनको लेकर जिसे एक साल लगातार किसान यहाँ डटे रहे हैं सरकार। जावेद एक आखिरी सवाल, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद हम तक तमाम जानकारी इस मुद्दे तक हम तक पहुंचाने के लिए। तो जैसा कि हमारे संवाददाता जावेद ने बताया कि इससे इस फैसले से होने वाले यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में किस तरह का असर देखने को मिलेगा और किस तरीके से विपक्ष हमलावर हो चुकी है। और आपको बता रहे कि राकेश टिकैत ने ट्वीट करके कहा है कि जब तक मोदी सरकार संसद में इस बिल को रद्द नहीं करती तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। तो ये देखने वाला होगा कि कब तक मोदी सरकार इस फैसले को वापस लेती है, संसद में इसको रद्द करती है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह राष्ट्र को संबोधित करते हुए तीन कृषि कानून जिनको काला बिल कहा जा रहा था किसानों की तरफ से, उसको वापस ले लिया है, उसको रद्द कर दिया है। एक साल से किसान इस पर आंदोलन कर रहे थे, कई हाईवेज पे चक्का जाम था, दिल्ली के बॉर्डर पर कई महीनों से, कई करीब एक साल से किसान बैठे हुए थे। किसान बिल को रद्द करके प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की है कि अब आंदोलन को खत्म कर दिया जाए। हमसे बात करने के लिए लखनऊ से जय त्रिपाठी हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जय, ये जो फैसला आया है मोदी सरकार की तरफ से, इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है, किसानों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है और खुशी का माहौल है क्या, बिल्कुल मास्टर स्ट्रोक है मोदी सरकार का, इसको किस रूप में देखा जा रहा है? जिस तरीके से अगर बात किया जाए हरीश, तो कहीं ना कहीं जो तीन कानून बिल का मामला था उसको लेकर लगातार आंदोलन चल रहा था, लगातार किसान आंदोलन करते हुए नजर आ रहे थे, काफी प्रयास कर रहे थे किसी तरीके से सरकार इस बिल को वापस ले ले, लेकिन अभी तक पूरे प्रयास उनके असफल नजर आ रहे थे। लेकिन आज जिस तरीके से अब देखा गया है, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तथा सरकार ने कहीं ना कहीं बिल को वापस लेने की बात कर दी, तो जिसको देखते हुए अगर किसानों की बात की जाए तो किसानों में बड़ी खुशी और हर्षोल्लास नजर आ रहा है। काफी जगह तो ऐसा भी है कि किसान लोग आपस में एक दूसरे को मिठाई भी खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो किसान नेता राकेश टिकैत का अभी भी ये कहना है कि यदि जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि बिल की वापसी करेंगे, लेकिन जब तक ये कानून बिल वापस नहीं होगा तब तक ये लगातार आंदोलन चलता रहेगा। लेकिन सरकार का साफ कहना है कि इस माह के लास्ट तक, आखिरी सप्ताह में कहीं ना कहीं जो संसद में सत्र कानून लागू होगा उसमें संसद में
की आवाज उठाई जाएगी और वहीं पर बिल की वापसी की बात की जाएगी। तो अब जिस तरीके से तीन कानून बिल की वापसी की बात हो गई है और सरकार ने आश्वासन भी दे दिया है और किसान भी खुश नजर आ रहे हैं अब, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से राकेश टिकैत ने ये कहा है कि जब तक पूरी तरह से वापसी नहीं हो जाएगी तो लगातार ये आंदोलन चलता रहेगा, ये आंदोलन बंद नहीं होगा। तो अब देखना ये है कि सरकार वापस लेती है और किस तरह से किसान इस आंदोलन को समाप्त करते हुए नजर आते हैं। मोदी सरकार जिसका एक रिकॉर्ड रहा है कि उसने कभी अपना फैसला कोई वापस नहीं लिया है और ये बहुत बड़ा फैसला है जिसे मोदी सरकार ने आज खुद मोदी प्रधानमंत्री मोदी ने आकर के ऐलान किया कि वो वापस ले रहे हैं, तो क्या इसकी जो टाइमिंग है ठीक विधानसभा चुनाव से पहले ये जो फैसला लिया गया है इतना बड़ा, उसको क्या बीजेपी को क्या डर है विधानसभा चुनाव में हार जाने का, क्या उस पर हार का डर मंडरा रहा है, या सच में प्रधानमंत्री मोदी किसानों के हितैषी बन रहे हैं या अपने हितों के लिए ये वापस लिया गया है? अगर नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो उनका साफ कहना है कि ये जो कानून वापस लिया जा रहा है वो कहीं ना कहीं हम किसानों के हित के बारे में बात कर रहे हैं, किसानों के फायदे की बात कर रहे हैं, तो उसको लेकर देख रहे हैं कि जिस तरीके से किसान नहीं मान रहे तो उनके हित को देखते हुए हम इस बिल को वापस ले रहे हैं। लेकिन अगर यही बात थी तो लोगों का मानना यही कि अगर यही सरकार को वापसी लेना था तो ये जब शुरुआत हुआ था, आंदोलन प्रारंभ हुआ था, तभी सरकार को मान जाना चाहिए था, लेकिन सरकार लगातार मानते हुए नहीं नजर आ रही थी। ये आंदोलन काफी विशाल रूप में हो चुका था लेकिन फिर भी सरकार इस चीज को मानने को नहीं तैयार थी। अब जब 2022 का चुनाव बिल्कुल नजदीक आ चुका है और सरकार को कहीं ना कहीं ये भी नजर आ रहा है कि किसान बिल कहीं ना कहीं उनको नुकसान न पहुंचा दे, इन चीजों का भी विशेष ध्यान दिया जाए, इन सब चीजों को ध्यान देते हुए लोगों का मानना यही है कि जो विधानसभा चुनाव है इसको देखते हुए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा कदम उठाया है। और विपक्षियों की बात कहें तो विपक्षी लगातार तंग कसते नजर आ रहे हैं कि सरकार लगातार केवल चुनाव को लेकर डर गई है, जिस डर के कारण ही कहीं ना कहीं इतना बड़ा जो कानून बिल कानून वापस नहीं ले रही थी उसमें वापसी करती हुई नजर आ रही। तो अब जो 2022 का चुनाव है इस पास आ गया है, देखने वाली बात है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने ये कानून बिल को वापस। इस मुद्दे पर तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, जैसा कि आपने बताया कि किसान बहुत खुश हैं, आपस में मिठाइयां बांट रहे हैं और बीजेपी की जो टाइमिंग है उस पर सवाल उठ रहे हैं कि ठीक विधानसभा चुनाव से पहले, आचार संहिता लागू होने से पहले इस फैसले को लिया गया है, इसको लेकर के सरकार की मंशा पर भी जताई जा रही है और देखा जा रहा है कि इस जो फैसला लिया गया है इसका जो असर होगा वह विधानसभा चुनाव में कितना पड़ेगा। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज सुबह राष्ट्र को संबोधित करते हुए कृषि कानून के तीन बिलों को वापस ले लिया है। इसका फैसला सुनाते हुए उन्होंने कहा कि कुछ किसानों की को ना समझा पाने के चलते इस बड़े फैसले को लिया जा रहा है। कहा जा सकता है कि सरकार, मोदी सरकार अपनी सरकार को डिफेंड करने के लिए इस तरह की बात कह रही है, कुछ किसानों के चलते ये लिया गया है। आपको बता दें इस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो समझा नहीं पाए, जिसका मतलब ये निकाला जा रहा है कि अधिकतर जो किसान थे वो शायद मोदी सरकार के पक्ष में थे, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि अगर इतने बड़े किसान होते और इतने कम छोटे कुछ लोगों को ना समझाने के चलते ये फैसला लिया जाता वापस, तो ये बात कुछ हजम करने लायक नहीं है। लेकिन खैर, मोदी सरकार ने फैसला वापस ले लिया है, किसान बहुत खुश है। लेकिन राकेश टिकैत का कहना है कि जब तक संसद में मोदी सरकार इस बिल को रद्द नहीं करती तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा।